गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की बहुत ही टेस्टी वाली पकौड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, छिलके वाले मूंग दाल से मैंने इसे बनाया है। ये बहुत हेल्दी भी होती है, बहुत टेस्टी होती है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया अंदर से भी बन के तैयार हुई है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं छिलके वाले मूंग दाल से एक बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, ये फूल गया है, इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए प्याज, लहसुन, मिर्च, आप हरी मिर्च भी ले सकते हो। हमें सबसे पहले मिर्च, लहसुन और दाल को एक साथ पीस लेना है। प्याज को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो चलिए पहले हम इस प्रोसेस कर लेते हैं। मूंग के दाल को हमने पीस लिया है, इसमें लहसुन और मिर्च डाल के इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, हल्का हमने इसे दरदरा ही रखा है, बहुत ज़्यादा महीन इसे नहीं पीसे। प्याज हमने काट लिया है, इसमें डाल दिया हमने प्याज। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नमक, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी तो ये है ही। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब अपने कढ़ाई को गैस पर चढ़ाते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, इसकी पकौड़ियाँ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको बना कर जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आ सकूँ। आप शेप और कोई भी दे सकते हो, मैं गोल गोल शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो उसका लंबा भी दे सकते हो। इसे हल्के हाथों से पलटेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने बहुत चीज़ों की पकौड़ियाँ खाई होंगी, एक बार इसके भी बना के आप ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, हेल्दी तो ये होता ही है। बहुत सारे बच्चे दाल नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसकी पकौड़ियाँ बना के उन्हें खिला सकते हो। पकौड़ियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्रंची और करारी बन के ये तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।